हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे। तो गाइस, आज का अपना सेशन शुरू करेंगे और स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मेरे बारे में। तो 9 to 10 AM डेली मैं यूट्यूब वॉल्ट जो हमारा चैनल है इस पर CA की क्लास लेता हूं, और 10 to 11 डेली हम चेंज करके कुछ MCQs लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने करंट अफेयर्स की बात की थी और आज हमने बात करनी है स्टैटिक GA की। तो स्टैटिक GA के MCQs आपके सामने आएंगे। स्टैटिक GA इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हर एग्जाम में आता है। यहां पर आइए, टाइम दीजिए और स्टैटिक के अपने सारे पॉइंट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरे फ्री लेसन्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मेरे फ्री लेसन दो चल रहे हैं, एक बैंकिंग फाइनेंस के लिए और एक करंट अफेयर्स के लिए, और बहुत जल्दी कल या परसों में आपको LIC के लिए भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा आपको अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर, मुझे फॉलो कर लीजिए। यहां पे मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, चाहे फ्री लेसंस हो, चाहे फ्री स्पेशल क्लास हो, चाहे पेड क्लास, आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गाइज, आपके लिए इंफॉर्मेशन, मेरे दो बैच चल रहे हैं अभी। एक बैच चल रहा है करंट अफेयर्स MCQ, जो कि हम RRB और IBPS बैंक के एग्जाम को कवर करेंगे। मार्च से लेकर हम प्रॉपर सितंबर तक अपने करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, मार्च से। तो काफी नोट्स मिलते हैं इसमें आपको, मतलब मान के चलिए आपकी हर महीने के कम से कम 300-400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमारा टारगेट है कि मोर देन 5000 MCQs आपको इस सेशन में हम दें, 5000 MCQs एक साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ये कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसका चल भी रहा है, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। इस कोर्स को आपको फॉलो जरूर करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, ठीक। इसके अलावा मेरा एक और कोर्स भी है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको मास्टर बनना है, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। डेली 1 to 2 PM पर मेरी ये क्लास होती है और 3 to 4 PM पे मेरी एक क्लास होती है, ठीक है। ये दो क्लासेस मेरी होती है डेली अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर और भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं हर एग्जाम के लिए। आप चाहे UPSC की बात करें, बैंकिंग की बात करें, रेलवे, SSC, हर एग्जाम के लिए आपको टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे। तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, और ऑनलाइन स्टडी करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। यहां पर इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल आप कर लेंगे। एप्लीकेशन ओपन करते ही आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आते हैं, आपको जो भी आपका गोल है, फॉर एग्जांपल आपका गोल कैट है, नीट है, आईआईटी है, यूपीएससी, बैंक, जो भी है आप उस पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बैंक की बात करते हैं, तो आपने बैंक एग्जाम पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आपके सामने मोबाइल की बात कर रहे हैं, इस तरह से ये पेज खुल के सामने आता है और यहां पर बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन मॉडल लिखा हुआ है। यानी अगर आप हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे करना चाहते हैं, 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 12 महीने के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन किया, 12 महीने के लिए आपको यहां पे कंटिन्यू करना है, यहां पे क्लिक करके। उसके बाद आपके सामने कंफर्म डिटेल का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको ये AM लाइफ कोड, आपको ये AM लाइफ कोड पुट करना है। क्यों करना है? बिकॉज इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 साल का ये कोर्स है, ठीक। आपने क्या किया, आपने 5000 रुपए पे करने हैं। अगर आप ये कोड अप्लाई कर देंगे तो आपकी फीस कम होकर 4500 हो जाती है। गाइज एक बात समझिएगा, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन करें? तो जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे दो कोर्स चल रहे हैं, वो सारे कोर्स हम PDF के फॉर्म में ही अपने प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल कर देते हैं। आपने कोर्सेस पढ़ा, हमने कोई सोल्यूशन भी आपको दिया, आप तुरंत PDF डाउनलोड कर लीजिए, आपको अलग से कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीकली क्विज़ में आते हैं, फैकल्टी का डायरेक्टली इंटरेक्शन आपसे होता है, फैकल्टी के फ्री लेसन्स, स्पेशल क्लास, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये 1 साल की फीस का मतलब क्या हुआ, ये भी समझ लीजिए। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर जो भी आपने गोल चूज किया है, 1 साल तक जितने भी कोर्सेज आएंगे वो सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री है। मतलब ये कोई एक कोर्स के लिए नहीं, जितने कोर्स आएंगे वो सारे कोर्स आपके लिए फ्री होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो आप डिस्काउंट आपको 4500 आप पे कर रहे हो, ये केवल आप मेरे लिए नहीं पे कर रहे हो, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर जितने भी एजुकेटर्स हैं आपके गोल के ऑप्शन के हिसाब, रेलवे, SSC, बैंक, जितने भी एजुकेटर्स हैं, सबकी प्रोफाइल आपके लिए अनलॉक हो जाएगी और आप सबके वीडियोस देख सकते हैं। ये फायदा होता है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने में। और ये हमारा डेस्कटॉप मॉडल है, अगर आप लैपी या डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो इस तरह से आपके सामने ओपन होता है। यहां पर आपको अपना जो भी है चूज करना है, यहां पे कंटिन्यू कर देना है, और कंटिन्यू करने के बाद यहां पर देखिए आपको AM लाइव कोड अप्लाई करना है। AM लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस 4500 हो जाएगी। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये फीस केवल 1, 2, 3 कोर्स के लिए नहीं है। अगर आपने 1 साल का हमारा मॉडल लिया तो 1 साल तक जितने भी कोर्स आएंगे, जितने भी एजुकेटर्स के कोर्स आएंगे, उनके फ्री लेसन, उनसे इंटरेक्शन, सब कुछ आपका हो जाएगा इसमें, ठीक। चल
तो गाइस हमारे पास 2 साल का मॉडल भी है 8,000 रुपए का, 8,000 रुपीज का है। आप अगर ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपकी ये फीस 7,200 हो जाएगी 2 साल का। क्यों? अगर आपको लगता है कि मतलब हमारा प्रिपरेशन अभी उतना अच्छा नहीं है, 2 साल तक हम नंबर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके लेसन, उनके पीडीएफ, उनके क्लासेस, सब कुछ आपको मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो 2 साल जो हाउसवाइफ हैं या फिर जो जॉब करते हैं उनके लिए ये बेस्ट है, उनके लिए बेस्ट है। चलिए तो गाइस शुरू करेंगे अपना सेशन और स्टार्टिंग करेंगे मोटिवेशनल कोड के साथ। और हमारा मोटिवेशनल कोड आपके सामने है, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट, इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट, इट्स अबाउट एफर्ट। मतलब क्या होता है, क्या कोई इंसान परफेक्ट होता है? अच्छा मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूं। मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग झांसी जैसे छोटे शहर से की थी। आफ्टर दैट मैं लखनऊ पहुंचा, आफ्टर दैट मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अपने होम टाउन में पहुंच गया, ठीक। तो मैंने बहुत सारे ऑफलाइन बच्चों ऑफलाइन को पढ़ाया। देखिए ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चों को उतना हम समझ नहीं पाते, बहुत टाइम लगता है, बट ऑफलाइन में हम तुरंत समझ जाते हैं बिकॉज बच्चा हमारे सामने बैठा होता है। मैंने आज तक किसी बच्चे को बच्चे मतलब डीआई या ऑफलाइन में क्या होता है टाइम रहता है हमारे पास थोड़ा सा, तो डीआई का या पजल का मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जो कि पहली बार मैंने खुद देखा था, कोई बच्चा नहीं कर पाता। कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि वो परफेक्ट पैदा ही हुआ, या कोई ऐसा नहीं होता जो ब्रिलियंट पैदा होता है। हाँ, वो आता है, पढ़ता है और इतना पढ़ता है, इतना मेहनत करता है कि वो आपसे आगे हो जाता है, तो वो परफेक्ट हो जाता है, वो ब्रिलियंट हो जाता है। परफेक्ट कोई नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपके एफर्ट के ऊपर, आपका एफर्ट, आपका इंटरेस्ट, आपका मोटिवेशन लेवल, आपका माइंडसेट, आपकी पर्सनालिटी, आप जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हो क्या ये सब के लिए वो मैच करती है, ये डिपेंड करता है। कभी भी गाइस अपना मोरल डाउन मत होने दीजिए, कभी भी आप निगेटिव मत होइए। भगवान ने पैदा किया है आपको, आपके माता पिता का आशीर्वाद है आपके पास, और आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आपके साथ गलत क्यों होगा, है ना, आपके साथ गलत क्यों होगा। तो बेटा पढ़िए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़िए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए। कैसे आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है उस पर चिंतन करिए, चिंता मत करिए। चिंता मींस चिता, चिंतन मींस प्रॉब्लम है बट उसका सोल्यूशन हम ढूंढेंगे। और गाइस जरूर होगा, ये होना ही होना है बिकॉज वी आर रॉक स्टार्स। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस और शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और सबसे पहले आपको हम क्या पढ़ाने वाले, सबसे पहले हम बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की न्यूज आपको लेकर आए हैं। यस 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 करिए, यस करिए सब लोग। और हां एक बात और भी है, हाँ सोनम बिल्कुल, आपकी सहेलियों का दोस्तों का भी साथ है, बिल्कुल साथ है। ये भी बड़ा एक कहते हैं ना कि ये भी बड़ा चुन के दोस्त बनाने चाहिए आपको। मतलब मेरे ख्याल से दोस्ती आपको वैसे आपको थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए, दोस्ती आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके साथ चले। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप तैयारी करने वाले हैं और आपके दोस्त अगर मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो मतलब वो जॉब और तैयारी ये नहीं हो पाता। तो दोस्ती करिए, तैयारी वालों के साथ करिए, उनसे कंपटीशन करिए। इस दुनिया में किसी कोई दोस्त थोड़ी ना किसी का, इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त यार नहीं है, इतना समझ लीजिए। सब मतलब के साथी होते हैं। फॉर एग्जांपल दो बेस्ट फ्रेंड है, एक वैकेंसी है, एक इंटरव्यू है, किसी एक का होना है। क्या आप अपने दोस्त के लिए इंटरव्यू देने नहीं जाओगे? कि आपका दोस्त आपके लिए नहीं जाएगा, छोड़ देगा आपके लिए जॉब? नहीं होता, ये प्रैक्टिकल है, समझ जाओगे, कुछ दिन में समझ जाओगे। चलिए हाँ ठीक है, तो आइए हम बात करने वाले हैं अपने करंट अफेयर्स की। और हम किसकी बात करने वाले हैं? हम केरला की बात करने वाले हैं। तो हम केरला की बात करेंगे, केरला गवर्नमेंट की बात करेंगे। केरला टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट IWT इन कोझिकोड। अब ये IWTC क्या है इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर फॉर वुमेन, भारत का पहला ट्रेड सेंटर फॉर वुमेन, इसकी स्थापना केरला गवर्नमेंट केरला में कोझिकोड़े में करने जा रहा है, कोझिकोड़े, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब ये महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए काफी अच्छी बात है, देख लीजिए। तो कौन सा सेंटर बनने वाला है? इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, ठीक, कहां पर? कोझिकोड़े केरला में ये बनने वाला है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जेंडर पार्क, एग्जैक्टली में इसे हम जेंडर पार्क बोल रहे हैं, मतलब पूरे पार्क का मतलब। ये एक तरह का कैंपस होगा जहां पर केवल फीमेल्स ही वर्क करेंगी, केवल फीमेल्स वर्क करेंगी। उनका प्रॉपर ट्रेड सेंटर होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस खुलेंगे और सारे के सारे एम्प्लॉई वहां पर कौन होंगे? वुमेन्स होंगी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जेंडर पार्क PT मोहम्मद सुनीश ये रहेंगे। द फर्स्ट फेज ऑफ IWTC विल बी कंप्लीटेड बाई 2021, तो 2021 में पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ट्रेड सेंटर बहुत अच्छी बात है, मतलब गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, मतलब कंफर्टेबल रहेगा वर्किंग प्लेस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी भी है, बढ़िया यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते,
केरला, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर पी विजयन एंड गवर्नर अभी ये नए अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना चाहिए, आरिफ मोहम्मद खान, ये न्यू अपॉइंटमेंट है, एग्जाम में आ सकता है। रेलवे वाले बच्चे, एसएससी वाले बच्चे, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे गवर्नर और सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर यहां से आता है, 2 से 3 नंबर फ्री का नंबर है बिल्कुल। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी। चलिए नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ऑलरेडी केरला पर मैं ट्रिक बना चुका हूं और आप चाहें तो उस ट्रिक को सर्च कर सकते हैं, अभिजीत सर नेशनल पार्क ट्रिक्स, तो आपको केरला के सारे ट्रिक्स याद हो जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इराविकुलम इंपॉर्टेंट है, मैथिकेतन एग्जाम में पूछ है, तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन सब पढ़ लीजिएगा और हर एग्जाम में आता है, दिक्कत यह कि हर एग्जाम में आता है, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। केरला के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपके सामने है, देख लीजिए 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने आपको दी है चुन चुनकर, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। मैं यही बोलता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं कि करंट अफेयर्स का मतलब केवल करंट अफेयर्स नहीं, आपको बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती हैं, आपको डेली ये सब खत्म करना चाहिए, और जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, आज का आज सारी चीजें खत्म करनी है, आप बहुत अच्छे नॉलेजेबल इंसान बन जाएंगे, लेकिन आप करें तब ना, टाइम कहां है इतना हमारे पास, हमें फेसबुक भी करना है, व्हाट्सएप भी करना है, मूवी भी देखनी है, पढ़ना भी है, हेलो हेलो भी करना है, हेडफोन लगा के काम करना है। वॉइस चलिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट केरला, केरला के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले, तो केरला इज नोन एज द गॉड्स ओन कंट्री, केरला को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है, केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, केरला को लैंड ऑफ कोकोनट के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, जो भी रेलवे एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए अमृत है, उनके लिए ये अमृत है। बैंकिंग वाले बच्चे देख लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन देखिए नॉलेज कभी बुरा नहीं आता, ठीक। इंडिया इज वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर, 4th नंबर पे, और जितना भी रबर प्रोड्यूस होता है इंडिया में उसका 91% अकेले केरला में होता है। स्पाइस गार्डन, लैंड ऑफ कोकोनट, गॉड्स ओन कंट्री और 4th लार्जेस्ट में 91% कंट्रीब्यूशन अकेले केरला से रबर प्रोडक्शन में, ठीक है। और देख लीजिए, चलिए पहला चर्च इंडिया का जो बना था वो था सेंट थॉमस सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च, ठीक। ये केरला के थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है, थ्रिशूर भारत का पहला चर्च, ठीक, सेंट थॉमस सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने 12 लोगों को चुना था ये क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करने के लिए, उसमें से आपके सेंट थॉमस थे जो कि 52 एडी में यहां पर आकर और चर्च बना चुके थे, तो मतलब ये एक हिस्ट्री का पॉइंट है, लेकिन हाँ फर्स्ट चर्च मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में क्वेश्चन फर्स्ट आता है, ठीक है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है, ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, 1,00,000 करोड़ रुपीज का खजाना बोला जाता है इसमें, लेकिन इससे बहुत ज्यादा, ये भी बोला जाता है कि इसका 10वां गेट अगर खुल जाएगा तो प्रलय आ जाएगी और कुछ बड़े बड़े सांप इसका रक्षा करते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में काफी, नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, ठीक है। और देख लीजिए वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग टी ट्री, मतलब अगर हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा सागौन का वृक्ष जो है वो केरला में ही है, और केरला में देखिए पारंबिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, दुनिया का सबसे बड़ा सागौन का पेड़, 47 मीटर टॉल इसकी हाइट है, ये भी आपके सामने इंफॉर्मेशन हमने एक्स्ट्रा दे दी। तो केरला के बारे में बात कर रहे थे, और देख लीजिए फर्स्ट टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया, भारत में पहला टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें, फर्स्ट टेक्नो पार्क, ये भी त्रिवेंद्रम मतलब तिरुवनंतपुरम केरला में ही है। पीयूष यार बोल रहे हैं पता है, वेरी गुड पीयूष यार, मतलब मुझे तो नहीं मालूम था, मैंने पढ़ा तब मुझे मालूम चला, आप रॉक स्टार ऐसे थोड़ी ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और बात करेंगे कमेटीज की, गवर्नमेंट स्कीम्स की, जो भी होगा आपके सामने न्यूज लेकर आएंगे। पहली न्यूज कंप्लीट, सारे पॉइंट लिख लिए, यस करें कमेंट में, पहले न्यूज कंप्लीट सारे पॉइंट लिख लिए होंगे, केरला वाला पॉइंट पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत जल्दी आप लिख नहीं पाएंगे, यस करें हम आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग उदय सर, गुड मॉर्निंग, चलिए गाइस और जल्दी मैं देखिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं इसको आप पढ़िए, याद करिए, और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर शेयर कर दिया करिए। चलिए तो प्रांजल पांडे यस, प्रंजीत बोरा यस, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमेटी पे। चलिए डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है भैया, संजय मित्रा, टू हेड 3-member पैनल टू लुक इनटू असेट लायबिलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दो यूटी बनाए गए हैं, अब दो यूटी बनाए गए हैं तो उनके असेट और उनकी लायबिलिटीज,
मतलब लद्दाख में कौन कौन सा पार्ट जाना चाहिए, लद्दाख में कौन सा कोर्ट होना चाहिए, लद्दाख में कौन सा ट्रेजरी ऑफिस होना चाहिए, लद्दाख में क्या होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में क्या होना चाहिए, तो इसको डिवाइड करने के लिए एक पैनल बनाया गया 3 मेंबर का, जिसको लीड करेंगे संजय मित्रा। मतलब संजय मित्रा तो है इसमें और 2 लोग और हैं, लेकिन संजय मित्रा इसको लीड करेंगे असेट लायबिलिटी को चेंज करने, मतलब असेट लायबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। देखिए टोटल मेंबर ऑफ द कमेटी 3, लीड कौन करेगा, डिफेंस सेक्रेटरी श्री संजय मित्रा लीड करेंगे आपके सामने है। और इसका उद्देश्य क्या है, टू लुक इनटू असेट लायबिलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर के असेट लायबिलिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यह कमेटी बनाई गई है। इसको लीड कौन कर रहा है आपके सामने है, संजय मित्रा। 3 मेंबर कमेटी, तो 2 मेंबर कौन है वो भी देख लीजिए। तो 2 मेंबर है, एक है अरुण गोयल आपके सामने नाम, और दूसरा गिरिराज प्रसाद गुप्ता। अरुण गोयल रिटायर्ड इंडियन मतलब आईएएस हैं, और गिरिराज प्रसाद की बात करें ये रिटायर्ड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर है। तो हमने आपको तीनों मेंबर के नाम बता दिए। कमेटी क्यों बनी है, कमेटी को लीड कौन करेगा, जम्मू कश्मीर हॉट टॉपिक है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस ये रखता है। गुड मॉर्निंग रिंकू जी, गुड मॉर्निंग रिंकू। टाइम 9 AM, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे हम लोग किसकी, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मतलब कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एज वेल एज कमेटी। तो इंडिया नेपाल के बीच में एक तेल एक गैस पाइपलाइन बनी है, आपको बताई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर क्वेश्चन है, इससे अगर आप देख लीजिएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नेपाल ज्वाइंटली इनॉग्रेट साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन फ्रॉम मोतिहारी इन इंडिया टू अमलेखगंज इन नेपाल। यानी कि पहले तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये जो पाइपलाइन है ये पाइपलाइन की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, ये पाइपलाइन की टोटल लेंथ कितनी है, टोटल कॉस्ट कितना इस पर आया, इससे नेपाल को फायदा क्या मिलेगा, इसका इनॉग्रेशन किसने किया, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो और हाँ, ये पाइपलाइन किसको किसको जोड़ रही है, मतलब मोतिहारी इंडिया में है और नेपाल में यह है, तो यह भी आपको लर्न करना पड़ेगा। देख लीजिए, चलिए इस पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किसने किया, तो प्राइम मिनिस्टर जी ने किया ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल केपी शर्मा ओली, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, इसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल लेंथ 69 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी, लंबाई है इसकी, ठीक है। मोतिहारी इन बिहार को ये मतलब यहां से स्टार्ट है और अमलेखगंज इन नेपाल, नेपाल तक है ये, ठीक है। देख लीजिए इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, हर साल 2 मिलियन मेट्रिक टन जो है पेट्रोलियम पेट्रोलियम या जो गैस जो भी जाना होगा वो 2 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर तो 2 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर ये तेल यहां जाएगा डेली कैपेसिटी, ठीक। अब देखो नेपाल को प्रॉफिट क्या है, द प्राइस ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस बाई ₹2 पर लीटर इन नेपाल। यानी नेपाल को पर लीटर, बहुत बड़ी बात है ये, पर लीटर ₹2 का फायदा होने वाला है इस पाइपलाइन से। इंडिया का फायदा होने वाला है, अरे इंडिया बेच रहा है भाई, इंडिया को देश मिल गया, मतलब इंडिया एक ऐसा देश जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, वो अब एक्सपोर्ट करेगा, वो अब एक्सपोर्ट करेगा, अच्छी बात तो है इंडिया के लिए ना, इंडिया को पैसे मिलेंगे वहां से। चलिए तो ये सारे पॉइंट है, मैंने कैपेसिटी आपको, प्लेस, लेंथ, किसने इनॉग्रेशन किया, नेपाल का प्रॉफिट क्या, ये सब कुछ मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर ये स्लाइड हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, हो गई है ना, ठीक। और हम आगे बढ़ते हैं, और अब आपको यहां पर दिखाते हैं इसकी कॉस्ट। तो अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें, अगर आपको दिख रहा है तो 324 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए, और 15 महीने में ये बनकर स्टार्ट हो गया। तो 324 करोड़ रुपए, 324 करोड़ रुपीज इसकी कॉस्ट है, और 15 मंथ टाइम लगा है इसको पूरा होने में, ठीक है। तो ये सब देख लीजिए, 2 मिलियन टन जो मैं आपसे बोल रहा था पर एनम, ये कैपेसिटी, ये रहा मोतिहारी, ये रहा अमलगंज, ठीक है। तो इनके बीच में ये बना गया है, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इतना काफी है, 324 करोड़ रुपए हो गया, चलिए चलिए ये सब पॉइंट हो गया, हम आगे बढ़ते हैं गाइस। और नेपाल के बारे में, तो कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाल का रुपया, नेपाली रुपीस, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब गवर्नमेंट स्कीम में एक पार्ट की बात हम और करेंगे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी मथुरा गए हुए थे, तो मथुरा में उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कीम का इनॉग्रेशन किया, उसके बारे में बताया है, क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ने हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पीएम मोदी लॉन्चेस नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम,
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया, मोदी जी ने कहां से किया? मथुरा से किया। तो नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बात हो रही है हमारे देश में गवर्नमेंट स्कीम की, बट गवर्नमेंट स्कीम ऑन लिव स्टॉक, और लिव स्टॉक आपका सोशियो इकोनॉमिक फिगर्स में आता है, इट इज, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पहले हम बात करेंगे कौन सा स्कीम भाई, कौन सा स्कीम? तो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए, मथुरा से लॉन्च किया गया है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक, ये कार्यक्रम मोदी जी ने लॉन्च किया, कहां से किया? मथुरा से। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया उत्तर प्रदेश, और इसका मतलब क्या है कि इराडिकेटिंग मतलब हटाना द फूट एंड माउथ डिसीज एंड ब्रुकोलेसिस, ये एक बीमारी होती है पशुओं में, पशुओं में आपने देखा होगा सड़क मड़क पर गाय या जो सांड होते हैं ना, तो उनके खुर जो पैर होता है वहां से ब्लड निकलता है, या उनके नाक वाक से ब्लड निकलता है, आपने देखा होगा, ये बेसिकली ये बैक्टीरिया से होता है, तो ये उसी बीमारी को एलिमिनेट करने की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, तो स्कीम का नाम आपको मालूम चल गया, कहां से लॉन्च हुआ आपको मालूम चल गया, किसने लॉन्च किया आपको ये मालूम चल गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है? देख लीजिए, तो मतलब कि द प्रोग्राम एम्स एट वैक्सीनेटिंग ओवर 500 मिलियन लिव स्टॉक। लिव स्टॉक का मतलब जिंदा स्टॉक, मतलब ये जो मवेशियां होते हैं, मवेशी, मवेशी का मतलब गाय भैंस बैल भेड़ सब इसमें आते हैं, तो मवेशियों को है, मवेशियों को इंजेक्शन लगाया जाएगा, करीब 500 मिलियन लिव स्टॉक को लगाया जाएगा, जिसमें बुफेलो शिप गोट एंड पिग सब कुछ आएंगे, इसमें लिव स्टॉक में सब कुछ आते हैं। ठीक है, देखिए, तो 5 साल इसका पीरियड है पूरा, और इसके लिए भारत सरकार 12,652 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार देखते हैं, स्कीम का नाम, किसने लॉन्च किया, कहां से हुआ लॉन्च, है ना, उसके बाद देखिए कितने कितने लिव स्टॉक को वैक्सीन लगाना है, टोटल टाइम पीरियड एंड टोटल कॉस्ट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये सारे पॉइंट बेटा आपको लर्न करने हैं, याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये स्कीम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, बोलते रहिए, और हाँ हाँ हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो हमारे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और हमारे एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें अपने वीडियोस का व्यू बढ़ाना है, हमें अपनी रीच बढ़ानी है, ताकि और बच्चा हमसे जुड़े, और जब आप लोग आते हैं कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमें अगर मोटिवेशन मिलेगा तो आपके लिए हम अच्छा काम करेंगे, आप मोटिवेशन लेने हमारे पास आते हैं तो हम भी आपके पास आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बुक्स एंड ऑथर की बात करेंगे, बुक्स एंड ऑथर में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं, अगर आपको बुक्स एंड ऑथर देखना है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कल रात में मैंने बुक्स एंड ऑथर का जून से लेके अगस्त तक का पीडीएफ दे दिया है ऑलरेडी, और डिफेंस के न्यूज मैंने दे दिए, तो चांस मिस मत करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, ई न्यूज़पेपर, और उसके बाद आपको कंटेंट मिलते रहते हैं, बहुत सारे हमारे बीच में रॉकस्टार हैं जो हमारे ग्रुप को संभालते हैं और पूरा डेकोरम मेंटेन करते हैं, और साथ ही साथ अच्छे अच्छे पॉइंट आपको देते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो वीर सावरकर जी, अच्छा जरा मुझे बताइए कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? मुझे नहीं पता, मैं भूल जाता हूं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन मैं भूल जाता हूं, बताइए जरा मुझे पीयूष, यह ट्रेंडिंग में कब आएगा बेटा, मतलब तुम लोग कुछ करोगे तब ना आएगा, मिल गया सबको ना, मुकुल भैया ज्ञान जरा हटके बताइए, मैंने क्वेश्चन पूछा, पहले आंसर दीजिए आप, बाकी बात बाद में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, मतलब पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, तो सावरकर जी की बात हो रही है, तो सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगेटन पास्ट 1883 टू 1924 बाय विक्रम संपत रिलीज, तो एक बुक के बारे में आपसे बात हो रही है, बुक का नाम क्या है आपके सामने है, किसने लिखा वो भी आपके सामने है, आइए इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या क्या पॉइंट है, बुक का टाइटल क्या है, बुक का टाइटल क्या है, सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगेटन पास्ट 1883 टू 1924, तो वीर सावरकर जी के ऊपर ये बुक लिखी गई है, इन ऑथर का नाम क्या है, ये एक हिस्टोरियन है बेंगलुरु के, इनका नाम है विक्रम संपत, विक्रम संपत ने लिखा है, बुक का नाम आपके सामने है, पब्लिश कौन कर रहा है, विकिंग पैंगविन पब्लिशर, दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये दोनों पार्ट तो इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम आपको लर्न करना है, किसने लिखा विक्रम संपत उनका नाम याद रखना, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आराम से हो गया होगा, बुक्स एंड ऑथर की हम बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, रिपोर्ट और इंडेक्स की,
रिपोर्ट और इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर दिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसमें से इंफॉर्मेशन दूं। तो आज हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो हम बात करने वाले हैं IMD की, मतलब कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हम बात करने वाले हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, रिपोर्ट का नाम क्या है, मिड मानसून 2019 लाइटनिंग। मतलब कि ये बताने वाले हैं अपने रिपोर्ट में कि जो ये बिजली गिरती है, चमक होती है, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पे डालती है, और ये अपने आप ये अपनी तरह की पहली रिपोर्ट इंडिया में आई है। तो IMD ने रिलीज किया है मिड मानसून 2019 लाइटनिंग रिपोर्ट। आइए देखते हैं क्या पॉइंट है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने मिड मानसून 2019 लाइटनिंग नाम की रिपोर्ट निकाली है। और इस रिपोर्ट में क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो भारतीय मौसम विज्ञान घर की बात कर रहे हैं, इन्होंने मतलब एक रिपोर्ट निकाली है, और इस रिपोर्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट, ये अपने आप में पहली तरह की रिपोर्ट है, ठीक है। तो बिजली के ऊपर मतलब जो ये लाइटनिंग होती है उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है। आइए रिपोर्ट में क्या क्या है हम बात करने वाले हैं। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है आपको सामने, मिड मानसून 19 लाइटनिंग, और किसने रिलीज किया है, IMD ने। ये दो पॉइंट आपको अभी पढ़ने हैं, ये दो पॉइंट केवल, ठीक है। चलिए लाइटनिंग स्ट्राइक, तो स्टैट्स की हम बात करें तो सबसे ज्यादा लाइटनिंग जो स्ट्राइक करती है मतलब गिरती है वो कहां गिरती है, तो पहले नंबर पे उड़ीसा, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक। तो इन तीन स्टेट की बात करें तो यहां पर लाइटनिंग ने सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया, तो उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक, उड़ीसा नंबर एक पर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइटनिंग डेथ, मतलब कि बिजली गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर होता है, तो यूपी पहले पे, बिहार दूसरे पे, उड़ीसा तीसरे पे। रीजन क्या है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ना, और बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, पता है ना, डेंसिटी एरिया ऑफ पॉपुलेशन। अब भाई बिजली यहां ओडिशा में गिरी, मान लो नदी है, झील है यहां वहां, लेकिन यहां तो सबके घर बन चुके हैं ना, तो बिजली गिरेगी तो कहां गिरेगी, है ना। तो लाइटनिंग डेथ की बात करें तो यूपी पहले पे है, बिहार दूसरे पे है, ओडिशा तीसरे पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मिर्जापुर में गजब की बारिश हुई रात में, और इतना बिजली गिर रहा था कि मतलब महादेव को याद करना पड़ गया, बिजली कड़क रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, IMD के बारे में इंफॉर्मेशन। 1875 में इसको बनाया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल है। ये भी नया अपॉइंटमेंट ही है, तो ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, IMD के बारे में हमने आपको इंफॉर्मेशन दी, ये नया अपॉइंटमेंट है, इसको भी नाम आपको लर्न करना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी ही अनूठी रिपोर्ट आई है UNCTAD की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो UNCTAD ने क्या किया बेटा, UNCTAD ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, और ये पहली बार आई है डिजिटल इकोनॉमी। दोस्तों डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन फेसबुक चलाते हैं, मतलब सब कुछ डिजिटल, जो भी हम करते हैं ऑनलाइन, आप टिकटॉक देख रहे हो, गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, सब कुछ डिजिटल है। तो डिजिटल इकोनॉमी की हम बात करने वाले हैं, इस पर रिपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर से देखें, उनके लिए तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम क्या है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019, ठीक। पूरा नाम वैल्यू क्रिएशन एंड कैप्चर इंप्लीकेशंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब डिजिटल इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे वैल्यू क्रिएट कर रही है। मैं आपको कई बार वैल्यू क्रिएशन के बारे में समझा चुका हूं गाइस। वैल्यू क्रिएशन का मतलब होता है कि इट्स लाइक आप अपने काम में कितने परफेक्ट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मैं यूट्यूब पर ही पढ़ा लेता हूं, मैं ऑफलाइन भी पढ़ा लूंगा, है ना, मैं किसी को मोटिवेट भी कर लूंगा, तो मैंने वैल्यू क्रिएट की है, ठीक। चलिए ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट अगर आपको पूरा पढ़ना नहीं है तो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 19 इतना याद कर लीजिए, किसने पब्लिश किया उसका नाम भी आपके सामने। आइए तो इस रिपोर्ट में क्या क्या देखते हैं, देखिए दोस्तों ध्यान सुनिएगा। तो अगर हम हाईलाइट की बात करते हैं तो हाईलाइट, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या बताया गया कि डिजिटल इकोनॉमी का जो रिसर्च किया गया वो कितने कंपोनेंट पे किया गया। तो ये कंपोनेंट के नाम है कोर एस्पेक्ट, डिजिटल एंड IT सेक्टर्स एंड डिजिटलाइजिंग सेक्टर्स। देखिए इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं है, मैं तो बोलूंगा बेटा इसका नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिजिटल इकोनॉमी का जो रिपोर्ट आया है वो कितने कंपोनेंट पर बेस्ड था, तीन। तो कोर एस्पेक्ट, डिजिटल एंड IT सेक्टर्स एंड डिजिटलाइजिंग सेक्टर्स, तो ये तीनों है। ये केवल आपको नाम रट्टा मारना है, कुछ इसमें अक्सर ही पढ़ना है, समझना क्या आपको, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये पॉइंट्स पहले आपको ध्यान देने, तीन पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए क्या बात हो रही है, तो हमने क्या बोला, हम तीन मुद्दों पर बात हुई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्लोबल इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रैफिक, मतलब जो इंटरनेट का ट्रैफिक है उसके बारे में थोड़ा सा डेटा आया। क्या आया देखिए, तो ग्लोबल इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, हैज ग्रोन फ्रॉम अबाउट 100 गीगाबाइट पर डे इन 1992 टू मोर देन 45,000 गीगाबाइट पर सेकेंड इन 2017। मतलब कि 1992 में जब इंटरनेट लोग यूज करते थे पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का कंजम्पशन कितना था, कंजम्पशन 100 गीगाबाइट पर डे, और आज 45,000 गीगाबाइट पर सेकंड। यानी कंजम्पशन कितना ज्यादा बढ़ा, ये कंजम्पशन की बात हो रही है, पर डे पर सेकंड जो भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डेटा आया, और देख लीजिए क्या बोला गया, 2022 तक ये जो कंजम्पशन है ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए 150,700 गीगाबाइट पर सेकेंड, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2022 तक इंटरनेट का कंजम्पशन कितना हो जाएगा, तो ये एक पॉइंट आपको अपने समझाया, ठीक गाइज। आगे बढ़ते हैं और दूसरे पार्ट की बात करते हैं। देखिए रिगार्डिंग वैल्यू एडेड इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी बोलते हैं। तो अगर आईसीटी में बात करें तो आईसीटी में यूएस और चाइना इन्होंने मिलकर पूरे मतलब अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का 40% इन दोनों ने मिल कैप्चर किया, यूएस ने और चाइना ने। जो हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गाइस जितना मैं बोल रहा हूं उतनी बातें आपको नोट करनी है, अगर आप अलग से पढ़ोगे आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो मैंने बहुत काट छाट के इसमें से रिपोर्ट निकाली है और आपके लिए वही डेटा दिया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लीजिए यूएस ने और चाइना ने पूरे वर्ल्ड का 40% कवरेज किया है आईसीटी में, आईसीटी आपके सामने है। और देखिए आईसीटी सेक्टर इज द लार्जेस्ट इन ताइवान, आयरलैंड एंड मलेशिया, और ये आईसीटी सेक्टर सबसे ज्यादा ताइवान मलेशिया, ताइवान आयरलैंड और मलेशिया में सबसे ज्यादा ग्रो किया है, ये बताया जा रहा, ठीक है। और देख लेते हैं यहां पर द ग्लोबल कंप्यूटर सर्विस इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय द यूएस, अगर हम कंप्यूटर इंडस्ट्री की बात करें, लैपटॉप डेस्कटॉप आईपैड जो भी आते हैं उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसने की है, यूएस ने, मतलब कि सबसे ज्यादा सेल कौन करता है, विंडोज हो गया कोई सॉफ्टवेयर हो गया वो यूएस करता है, ठीक। और देख लीजिए इंडिया की बात करते हैं, इंडिया, इंडिया हैज द लार्जेस्ट शेयर अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज इन द कंप्यूटर सर्विस इंडस्ट्री, ठीक। तो इंडिया के बारे में अच्छी बात यहां पे बोली गई है, और इंडिया रैंक फोर्थ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन द शेयर ऑफ द आईसीटी, यानी कि यूएस चाइना है देख रहे हैं आप लोग, उसके इंडिया चौथे नंबर पर आता है आईसीटी में, इंडिया ने भी अच्छा अच्छा ग्रोथ किया इसमें, यह बताया जा रहा है, ठीक है इसमें। और देखिए आगे बात करते हैं, तो द शेयर ऑफ आईसीटी सर्विस इन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज टॉप 2017 से इंडिया रैंक सेकंड विच इज टॉप्ड बाय आयरलैंड, और अगर हम आईसीटी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट की, तो उसमें इंडिया दूसरे नंबर पे और आयरलैंड पहले नंबर पे। आप बोलेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर हो गया कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी हो गई, उसमें इंडिया दूसरे नंबर पे, ठीक है। अच्छा 90% ऑफ द मार्केट फॉर इंटरनेट सर्च जो है वो गूगल का है, यानी गूगल का जो लोग यूज करते हैं सर्च करने में, पूरे वर्ल्ड में 90% गूगल के थ्रू लोग सर्च करते हैं, ठीक। और देख लीजिए अगर फेसबुक की बात करें तो पूरे दुनिया में 2/3 लोग फेसबुक को यूज कर रहे हैं समय, और सबसे बड़ा ये सोशल मीडिया नेटवर्क है फेसबुक, तो ये इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। ये रिपोर्ट में भी शायद आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन बेटा है तो ये इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हम लोग आज के टाइम पर आईओटी की बात करते हैं, मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, एक बात और बोली गई है, द ग्लोबल वैल्यू ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब जानते हैं आप लोग, ऑनलाइन कॉमर्स, फेसबुक मतलब अमेजन स्नैपडील ये सब, द ग्लोबल वैल्यू ऑफ ई कॉमर्स इज एस्टिमेटेड बाई अंकटेक टू हैव रीच ऑफ $29 trillion इन 17 की रिपोर्ट आई है ये, विच इज इक्विवेलेंट टू 36% ऑफ जीडीपी पूरे वर्ल्ड की, मतलब केवल और केवल ई कॉमर्स की बात करें तो $29 trillion का केवल ट्रांजेक्शन हुआ जो पूरे वर्ल्ड का 30% ऑफ जीडीपी है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये 17 का रिपोर्ट है, इस दो साल में काफी कुछ बदला है, इस दो साल में इंडिया काफी कुछ बदला है, अब जो रिपोर्ट आएगी उसका इंतजार हमें रहेगा। चलिए
चलिए गाइस, तो ये हो गया हमारा। अरविंद, एक्चुअली क्या है कि जो हमारी लिस्ट है, जो सेल्स की लिस्ट है, वो टॉप 10 कंट्रीज की आप बोल रहे हो, वो लिस्ट मैं आपको हमारे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे दूंगा। बना लिया है स्लाइड, आज मिल जाएगी आपको सारी लिस्ट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और ये सेवन मतलब ये बताया गया कि फॉलोइंग आर द रिसेंट ट्रेंड इन द डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल इकोनॉमी के सेवन रिसेंट ट्रेंड, जस्ट लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, IoT, 5G मोबाइल, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सेवन चीजें जो है वो ट्रेंड रही इस बार, तो ये इंफॉर्मेशन है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और अब आपको इकोलॉजी की बात करेंगे। तो अभी हम क्या बात करने वाले, इकोलॉजी पर कौन कौन से करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। तो टाइफून फैक्साई हिट टोक्यो जापान। तो टाइफून फैक्साई ने जापान को हिट किया। ये टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन्स, ये सब क्या है, ये सब एक ही है, बस एरिया वाइज इनके नाम चेंज हो जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं, ठीक है। तो टाइफून फैक्साई ने टोक्यो को हिट किया है। IS के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, नाम क्या है फैक्साई, कहां पर, जापान, टोक्यो। ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, क्योंकि रग्बी वर्ल्ड कप 2019 जो है वो जापान में होने वाला है। 9th एडिशन रग्बी वर्ल्ड कप 2019 जापान में होने वाला है, 9th एडिशन, और ये जापान में सितंबर 20 से होने वाला है। लेकिन इस टाइफून की वजह से क्या हो रहा है, काफी ज्यादा जापान को नुकसान हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये रग्बी वर्ल्ड कप टल भी सकता है। देखिए क्या होता है, ठीक है, रग्बी वर्ल्ड कप 2019 चार साल में होता है, तो इसके बाद वाला 2013 वाला मतलब 10th एडिशन कहां पर होगा, ये फ्रांस में होगा। तो रग्बी वर्ल्ड कप 2019 9th एडिशन जो है ये बेटा जापान में होगा 20 सितंबर से, और इसके बाद चार साल के बाद देख लीजिए वो फ्रांस में होने वाला है। ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। जापान, टोक्यो कैपिटल एंड करेंसी जापानीज येन, आपको मालूम ही है ना। देखिए, तो मैंने आपको अभी तक साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन्स की कोई रिवीजन नहीं कराया, तो थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल या परसों, की इंडिया ने बहामास को करीब करीब $1 मिलियन हेल्प देने की बात बोली है, क्योंकि बहामास जो है वो डोरियन नाम के साइक्लोन से प्रभावित हो गया था। बहामास, डोरियन, इंडिया, $1 मिलियन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करना है कि बहामास को अभी कौन सा टाइफून ने अफेक्ट किया, तो नाम आपके सामने है। और देख लीजिए, जब हमारे देश में फैनी आया था, फैनी साइक्लोन, ठीक ओडिशा में, तो हांगकांग गवर्नमेंट ने $9 मिलियन की हमारी हेल्प की थी। ऐसा नहीं है कि हम ही हेल्प करते हैं, तो हांगकांग ने हमारी हेल्प की थी, यह भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं, यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 4,432.10 करोड़ 3 स्टेट को फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। सबसे ज्यादा ओडिशा को मिला था, अमाउंट मैं आपको लिखा चुका हूं, हमारे PDF में ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कर्नाटका को, एंड देन लास्ट में हिमाचल प्रदेश को। टोटल अमाउंट कितना, 4,432.10 करोड़, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, और ये हमारे PDF में भी आज होने वाला है, ठीक है। और देख लीजिए, बॉम्ब साइक्लोन ने US को स्ट्रक किया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने शायद पढ़ा होगा। तो ये कहां पर आया था, US में आया था, ये भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, साइक्लोन इडाई, इसकी बात करें तो अफ्रीकन विथ मोजाम्बिक हो गया, जिम्बाब्वे, मालावी, यहां पर आया था, यह भी आपको मैंने पढ़ाया है, और यह भी रिवीजन के लिए है आपके। तो सारे साइक्लोन आपके रिवीजन हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो इतना काफी था हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे, समिट इवेंट और मीटिंग की बात करेंगे। समिट इवेंट और मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट आपके लिए हैं गाइस, बेसिकली हम लोग 3-4 मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3-4 मंथ में जो भी आया होगा वो आपके सामने था, ठीक। चलिए, तो इंडिया पार्टिसिपेट इन 84th एडिशन ऑफ TIF 2019 इन ग्रीस। अब ये TIF क्या है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, क्या इनको आप पहचान रहे हैं? अगर आप नहीं पहचान रहे तो मैं आपको इनकी इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूं, आप वैसे पहचानते होंगे। देखिए, तो इवेंट का नाम क्या है, इवेंट का नाम है थेसालोनिकी इंटरनेशनल फेयर, TIF। ये 84th एडिशन था, और इंडियन डेलीगेशन लीड बाई हरदीप सिंह पुरी थे ये। देख लीजिए, जो मैं आपसे पूछ रहा था कि इनको आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, ठीक है। तो ग्रीस एथेंस में ये हुआ, देख लीजिए। तो ग्रीस एथेंस में थेसालोनिकी इंटरनेशनल फेयर हुआ, जहां पर इंडियन डेलीगेशन ने पार्टिसिपेट किया। 84th एडिशन था, इंडिया के जैसे ONGC, NTPC, BHEL, इन सब लोगों ने अपना अपना, DRDO, इन लोगों ने अपना अपना वहां पर एग्जीबिशन भी लगाया, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जीबिशन फेयर था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, हम उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ग्रीस, एथेंस एंड यूरोप,
ग्रीस, एथेंस एंड यूरो, कैपिटल एथेंस, करेंसी यूरो, याद होगा आपको मेरे ख्याल से। चलिए तो गाइस अब बढ़ेंगे हम लोग एक्स्ट्रा हाईलाइट की तरफ, और एक्स्ट्रा हाईलाइट में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं देखिए। तो हमारी पहली न्यूज आपके सामने, इंडियन एयरफोर्स रीश्योरेंस 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो फॉर राफेल। एक्चुअली हर देश की आर्मी या नेवी या एयरफोर्स अपना एक डिपार्टमेंट बचा के रखती है, जब कोई इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी में ऐसे स्क्वाड्रन या ऐसे मतलब जो होता है ना, कहते हैं पोस्ट वोस्ट, वो सब निकलते हैं। ठीक, तो इंडियन एयरफोर्स ने राफेल के लिए 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो को फिर से जीवित कर दिया। जीवित करने का मतलब ये लोग मरे नहीं थे, मतलब फिर से ऑपरेशनलाइज कर दिया। ठीक है, राफेल के लिए होगा ये। ठीक, तो देख लीजिए 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो की हम बात कर रहे हैं। गोल्डन एरो का इतिहास काफी अच्छा रहा है, चाहे हम 1999 की बात कर ले, चाहे इंडिया के कोई भी टॉप सीक्रेट जो हमारे वो ऑपरेशंस होते हैं उसमें। देखिए अंबाला बेस है इनका, पहले बात ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्डन एरो का बेस क्या है, अंबाला। अंबाला बेस 17 स्क्वाड्रन, ये मत भूलिएगा गोल्डन एरो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्क्वाड्रन होगा राफेल फाइटर के लिए। ये देखो लिखा है फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ राफेल फाइटर जेट्स इन द नियर फ्यूचर। तो ये राफेल देखिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू गाइस। ठीक है, तो अंबाला बेस 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो जो है ये फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ राफेल फाइटर होने वाली है। ठीक है, और हरकीरत सिंह जो है ये ग्रुप कैप्टन है, तो इनको एयर चीफ मार्शल ने मतलब वो सर्टिफिकेट दिया कि आप लोग आज से ये घोषित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये पढ़ लीजिएगा, यही काफी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। तो ओणम फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट होता है अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो ओणम फेस्टिवल की बात करें तो ये केरला में सेलिब्रेट होता है। केरलीज अक्रॉस द ग्लोब आर सेलिब्रेटिंग देयर बिगेस्ट फेस्टिवल ओनम। तो ओनम फेस्टिवल केरला, ये भी आपको याद रखना है। ये हमारा दूसरा न्यूज है आज का। ठीक, आइए अब तीसरे न्यूज की बात करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मतलब एक काम किया है, बड़ा अजीब काम किया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फायर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल एग्जामिनेशन। देख लीजिए यहां पर, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को पद से हटा दिया। ये रहे बेचारे जॉन बोल्टन, और ये हैं हमारे मतलब जानते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन को अपने पद से हटा दिया है, बिकॉज जो तालिबान और यूएस की मीटिंग जो बार बार फेल हो जा रही है, तो इनका कहना यह है कि जो हमारे जॉन बोल्टन है वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये आप लोगों को पता है, थोड़ी सी पुरानी न्यूज है बट मैंने पढ़ाई नहीं थी तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पढ़ाऊं। साउथ अफ्रीका अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन बैट्समैन अमोल मजूमपुर एज इंटरिम बैटिंग कोच इन टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया। इंटरिम बैटिंग कोच अपॉइंट किया गया, ये आप लोगों को पता है, और ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज हो गई है बट मैंने नहीं पढ़ा था तो मुझे कवर करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश कर दिया है, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपना बजट पेश कर दिया है, और ये बजट जो है वो 1.46 लाख करोड़ रुपीस का है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश किया है 1.46 लाख करोड़ रुपीस, 1.46 लाख, याद रखना। देखो क्या क्या पॉइंट है, तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बजट पेश किया है कितने अमाउंट का, 1.46 लाख करोड़ रुपीस का। और अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो क्या बोला गया इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रखा गया इतना और कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया इतना। हालांकि इतने डीप में आपसे पूछा नहीं जाएगा, इतना ही काफी होगा आपके लिए, इतना ही याद रखना काफी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राजील के टेनिस प्लेयर डिएगो माटोस इन पर फिक्सिंग के लिए लाइफ टाइम का बैन लगा दिया गया है। ब्राजील के टेनिस खिलाड़ी डिएगो माटोस के मैच फिक्सिंग के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देख लीजिएगा, डिएगो माटोस की हम बात कर रहे हैं, टेनिस का एक न्यूज हमारे सामने है। ठीक है, ब्राजील से बिलोंग करते हैं। आगे देख लीजिए, 16 साल के प्रियव्रत बिकम यंगेस्ट पर्सन टू क्लियर 2019 महापरीक्षा एग्जामिनेशन। तो 2019 का महापरीक्षा एग्जामिनेशन की बात करें, यह पास किया है प्रियव्रत ने, और प्रियव्रत पहले मतलब सबसे युवा बन गए ये एग्जाम को पास करने वाले। तो यह महापरीक्षा एग्जामिनेशन क्या है देखते हैं थोड़ा सा। देखिए महापरीक्षा एग्जाम 14 लेवल का एग्जाम होता है,
साल में दो बार होता है और ये बेसिकली मतलब तेनाली तेनाली भाषा में होता है और बेसिकली शास्त्र, ये जो शास्त्र होते हैं ना हमारे ऋग्वेद, मतलब जो भी शास्त्र हमारे हैं, तो शास्त्र वाले जो बच्चे हो जो पढ़ाई करते हैं उनका ये एग्जाम होता है। और ये तेनाली मतलब आंध्र प्रदेश में जगह है ना कि भाषा है, सॉरी, ठीक है। तो महापरीक्षा एग्जाम की बात कर रहे हैं, 14 लेवल के एग्जाम्स होते हैं। जो हमारे पौराणिक स्पिरिचुअल शास्त्र है उसका एग्जाम होता है तेनाली में, होता है आंध्र प्रदेश में, और मतलब एक साल में दो बार होता है। ये काफी बड़ा एग्जाम है महापरीक्षा, और इसको पास किया किसने, प्रियव्रत ने, 16 साल के हैं वसीम, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन ये, आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नीति आयोग सेलेक्टेड मैकिन्सी एंड कंपनी टू सेटअप इंडिया फर्स्ट डिजिटल कैपेबिलिटी सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो नीति आयोग नई दिल्ली में भारत का पहला डिजिटल कैपेबिलिटी सेंटर बना रहा है। यह डिजिटल कैपेबिलिटी सेंटर का मतलब एक ऐसा सेंटर होगा, एक ऐसा जगह होगी जहां पर सब कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चलेंगे। यहां पर आपको पढ़ना है, यहां पर कुछ भी करना है, सब कुछ डिजिटल होगा यहां पर। तो उसके लिए मैकिन्सी एंड कंपनी के साथ नीति आयोग ने एग्रीमेंट किया है, दिल्ली में यह बनेगा फर्स्ट डिजिटल कैपेबिलिटी सेंटर, ठीक है। चलिए न्यूज कंप्लीट, आगे बढ़े। इंडिया रेटिंग्स कट्स फाइनेंशियल ईयर 20 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर एनबीएफसी टू 10-12%। मतलब एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब कि जो लोन बांटती हैं। तो लोन बांटने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि पहले इंडिया रेटिंग्स ने बोला था कि पूरे साल भर में एनबीएफसी का जो क्रेडिट ग्रोथ होगा वो 15% होगा, इतना वो लोन बांटेंगे, लेकिन अभी कम करके 10-12% कर दिया है इंडिया रेटिंग्स ने। इंडिया रेटिंग्स फिच के अंडर में काम करने वाली कंपनी है, ठीक है, मे बी शायद इंफॉर्मेशन। हाँ, तो 15% का ग्रोथ पहले ये ऑब्जर्व किया था इंडिया रेटिंग्स ने, बट इसे कम करके 10-12% कर दिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बैंकिंग वाले बच्चों के लिए है, इसे भी आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाई कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कि इन्हें कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि सरकारी बैंकों में अगर काम करना है किसी पोस्ट पर, आपको, आप लोग भी सुन लीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद ही आपका प्रमोशन या कुछ होगा, केवल रिकमेंडेशन से कुछ नहीं होने वाला है। कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सरकारी बैंकों के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट घोषित कर दिया है। देखिए क्या बोला गया, तो द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। क्या है इसमें, इसमें यह बोला गया है द बोर्ड ऑफ द बैंक विल हैव टू सेंड एन एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट विच रेट अ डायरेक्टर बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एंड एथिकल कंडक्ट। मतलब कि अब बैंकों को इनकी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी और इस रिपोर्ट में इनका परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा और उसके बेस पर क्या होगा, इनका प्रमोशन या इनका जॉब आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी बात है, कोड ऑफ कंडक्ट आया है किसके लिए, आया है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। चलिए गाइज आगे बात करते हैं, तो शायद वो इमेज ऊपर चली गई है। तो जेफरी बायकॉट आप नाम जानते होंगे और एंड्रू स्ट्रॉस, इन लोग को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इंग्लैंड के दिग्गज बायकॉट ये देखिए और एंड्रू स्ट्रॉस, जानते होंगे ना आप लोग, तो इन लोग को नाइटहुड से सम्मानित किया गया इंग्लैंड में। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ये अच्छी न्यूज है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच सिटी होस्टेड द आंगन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग सेक्टर्स। मैंने कल ही आपको यह पढ़ाया था, इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन एंड द आंसर इज, एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, नेम द 10,000 acre इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी रिसेंटली। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नई न्यूज है, मैं इसीलिए बोलता हूं कि हमारे एमसीक्यू को जरूर फॉलो करिए। क्या इसका आंसर होगा, इट्स नॉट तुली, इट्स तुलसी, तुलसी मेरे आंगन की, नॉट तुली मेरे आंगन की, गाओ भी तो अच्छे से गाओ। एंड द राइट आंसर इज औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पहला शहर, ठीक। नेक्स्ट,
फॉर विच कंपनी राजीव कुमार अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी. कल मैंने आपको पढ़ाया था राजीव कुमार की बात हमने की थी. ये बेसिकली आरएनडी डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुए एमडी. और ये कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया. तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया आरएनडी है ना, पढ़ाया गया आपको. चलिए नेक्स्ट. व्हाट इज द सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर द ईयर 2018-19 आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इन 2015. कल मैंने आपको बताया था 13 पॉइंट पे क्वेश्चन ना, कि स्मृति ईरानी ने 13 पॉइंट की बात की थी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए. इसका आंसर हो जाएगा 931. यानी 931 माइनस 13 कर दीजिए तो जो डेटा आएगा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से पहले था. यानी 30 पॉइंट प्लस हुआ है सेक्स रेशियो में. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. नेम द जापान इंडिया यूएस ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज दैट विल बी हेल्ड इन सितंबर टू अक्टूबर 2019. यानी जापान इंडिया यूएस का नेवी एक्सरसाइज, काफी बड़ा एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है जो कि सितंबर अक्टूबर में होने वाला है इस बार. और इसका नाम क्या आप लोगों को पता है? इसका नाम है मालाबार. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. मालाबार ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ओके गाइस, लेट्स मूव टू क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया हैज अनाउंस $1 million ह्यूमैनिटेरियन एड टू विच नेशन. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका रिवीजन की है. अभी हम लोगों ने इसका रिवीजन किया है. और इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए. और इसका आंसर होगा बहामास. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. बहामास इज राइट आंसर. गाइस हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑब्जर्व विच डेट एज हिमालय डे बींग ऑब्जर्व सिंस 2010. मैंने कल आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट में यह पढ़ाया था हिमालय डे. And the right answer is September 9. Option number 4 is right answer. Okay, let's move to next question. Noted language poet Pradeep Das selected for 40th edition of 2019 Sarla Puraskar Award for his poetry work Charu Chibar O Charjaya. This award is foremost literary honor in which language comprises of cash prize of rupees 5 lakh. यानी ऐसे क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन आपको है ना, आपको सही आंसर देना है. देख लीजिए आंसर दीजिए. एंड राइट आंसर इज ओडिया ऑप्शन नंबर 1. प्राइज मनी किस लिए मिला, किसको मिला, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया रेड बीट इंडिया ग्रीन टू विन दिलीप ट्रॉफी ऑफ विच स्पोर्ट्स एट बेंगलुरु. तो आपको पता है कि ये जो आपकी दिलीप ट्रॉफी है वो किस खेल से बिलोंग करती है? तो वो क्रिकेट से बिलोंग करती है. बेंगलुरु में ये इवेंट हुआ, कौन जीता कौन हारा सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बुक फॉर्च्यून टर्नर्स द क्वार्टेट दैट स्पन इंडिया टू ग्लोरी रिटन बाय आदित्य भूषण एंड सचिन बजाज हैज बीन रिलीज. इट्स अबाउट इंडियाज फोर स्पिन लेजेंड. एक नाम आपको बताना है, तीन नाम आपके सामने दिए गए, मैंने कल आपको पढ़ाया है. तो आई होप कि आप लोग इसका सही आंसर देंगे. देख लीजिए, बुक का नाम ऑथर का नाम दिया हुआ है. ये इंडिया के फोर स्पिनर पर बेस्ड बुक है. एक का नाम पूछा गया और नाम दिया गया. जी हां, इनका नाम क्या है? बिशन सिंह बेदी. ऑप्शन नंबर 4. बाकी के तीन नाम आपके सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज इंडिया फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर समिट इन. तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर समिट कहां पर ऑर्गेनाइज किया आपसे पूछा गया. कल मैंने आपको पढ़ाया था. और इसका आंसर क्या होगा इस? एंड द राइट आंसर इज देहरादून. ऑप्शन नंबर सी देहरादून इज राइट आंसर. अनिल कुंबले नहीं है, बहुत मार खाओगे तुम लोग. कल मैंने पढ़ाया था यार ये सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्टिस विक्रमनाथ हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट. विक्रमनाथ याद करो, पढ़ाया था मैंने. विक्रमनाथ गुजरात याद है ना, गुजरात हाईकोर्ट. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following has been honored with a Lifetime Achievement Award at 19th Annual Asian Achievers Award 2019 in London? ये पॉइंट कल शायद हम लोग के ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रात में आप लोग आपस में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो मैंने इसका आंसर शायद दिया था है ना. मैंने इसका आंसर दिया था. तो अनिल अग्रवाल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A two-day long Western Air Command Commanders Conference 2019 was held in New Delhi. Who was the chief guest of the conference? ये भी आप लोगों ने कल ग्रुप में पूछा था और कई लोग दिल्ली नहीं बोल रहे थे, कोई लेह बोल रहा था, कोई लद्दाख बोल रहा था है ना. New Delhi is right answer.
और इसका आंसर क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, बीरेन सिंह धनोआ चीफ गेस्ट होंगे ही होंगे, है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। व्हाट इज द थीम ऑफ 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस? तो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस आपको मैंने पढ़ाया था ये कहां पर हुआ था, मुझे ये भी आंसर दीजिएगा। मैंने आपको ये पढ़ाया था ये कहां पर हुआ 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, थीम भी आपके सामने पूछी गई है, कहां पर हुआ, थीम दोनों मुझे बताइए। इंडिया में नहीं हुआ था, पहली बात है। आंसर 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 ये कहां पर हुआ? रंजीत बोल रहे हैं आबू धाबी, ये आबू धाबी में हुआ या जिद्दा में हुआ? ठीक है, आबू धाबी एंड द थीम इज एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट अप्रूव्ड हाउ मच लैंग्वेज कैपिटल इन्फ्यूजन इन 3 स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू बूस्ट देयर कैपिटल बेस एंड मीट रेगुलेटरी नॉर्म्स? कंपनीज इंक्लूड नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। तो भारत सरकार इन तीनों को मर्ज करने वाली है बहुत जल्दी, आपको पता भी है। तो भारत सरकार ने कैपिटल कितनी दी है पहले कि ये लोग पहले उस नॉर्म्स तक आ तो जाए पहले? आंसर। और प्रणजीत बोल रहे हैं 12,000 करोड़ रुपीज, व्हाट इज आंसर? एंड राइट आंसर इज 12,000 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। को लिविंग इंडेक्स 2019 टाइटल्ड इनसाइट ऑन को लिविंग एंड एशिया पैसिफिक परस्पेक्टिव अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन वॉज रिलीज बाई द लंडन बेस्ड कंसल्टेंसी एजेंसी नाइट फ्रैंक। कल मैंने आपको पढ़ाया था। मुंबई रैंक एट द 5th स्पॉट, न्यू दिल्ली रैंक एट द 11th स्पॉट एंड बेंगलुरु 19th स्पॉट। अरे यार सॉरी, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स मुझे करना था। सॉरी मैंने क्वेश्चन बनाया, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स करना था मुझे। ठीक है, तो देख लीजिए न्यूज 5th, हाँ सब बताया गया। टॉप बाई बीजिंग, काहे 18 भैया, क्वेश्चन तो पहले देख लो। हम बेंगलुरु की बात करने वाले थे प्रांजल, ये बताना था, ये फिल इन द ब्लैंक्स था कि बेंगलुरु कितना प्लेस है, लेकिन वो गलती से रह गया वहां पे। क्वेश्चन क्या है मैंने बता दिया, बेंगलुरु की पोस्ट रैंक बतानी थी, वो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च, फुल फॉर्म बताना है आपको, सर्विसेस बिकमिंग सिंगल लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटर ऑपरेबल बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर फॉर एनी बैंक इंक्लूडिंग 34 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स। एंड राइट आंसर इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो गाइज ये था हमारा सेशन, आई होप कि आप सेशन को लाइक करेंगे। आपको बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, कैट, वैट, किसी के भी एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको ये एएम लाइव कोड अप्लाई करना है, तो एएम लाइव कोड अप्लाई करिएगा तो आपको इससे फायदा होगा, मुझे भी इससे फायदा होगा। एएम लाइव कोड भूलिएगा नहीं, ठीक, एएम लाइव कोड आपके सामने है। थैंक यू सो मच गाइज, अभी फिर मिल रहे हैं और अभी फिर मिल रहे हैं और स्टैटिक जे की बात करेंगे 10 AM पे शार्प, तो वहां पर आइए, आपका स्वागत है। 10 AM स्टैटिक जे की क्वेश्चन आंसर की हम बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।